क्यों नहीं तमाम पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं तमाम अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके लिए मैं आग्रह करूंगा डीजीपी महोदय से, आग्रह तो मैं हमारे प्रदेश के गृह मंत्री से भी करूंगा, क्योंकि संजोग से हमारे मुख्यमंत्री ही है, देखें कि किस तरीके से उनके विभाग के अधिकारी हमारे आम बिहारियों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे, हमारे किसान भाइयों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। तुरंत हमारे साथियों के ऊपर मुकदमे करने की तो फुर्सत है इनके विभाग के लोगों को, पर मुकदमा करना है तो सबसे पहले उन अधिकारियों के ऊपर मुकदमा करें जो देर रात हमारे घर में घुसकर हमारी माताओं बहनों के साथ इस तरीके का दुष्कर्म करने का काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूँ आपके साथ मानसी। बिहार के बक्सर जिले में थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए अधिग्रहित भूमि के एवज में मुआवजे की मांग को लेकर पिछले 2 महीनों से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि पुलिस कर्मियों ने मंगलवार देर रात कथित तौर पर किसानों के घरों में घुसकर उनकी पिटाई की है, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने संयंत्र में तोड़फोड़ की है और आगजनी भी की है। बता दें कि झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बिहार पुलिस आधी रात को किसानों के घर में घुसकर नींद में उनकी बेरहमी से पिटाई करते हुए कैमरे में वीडियो भी कैद हुआ है। बता दें कि एस शिवन द्वारा 2010-11 से पहले किए गए क्षेत्र में बिजली संयंत्र के लिए उनकी भूमि के अधिग्रहण के लिए उचित मुआवजे की मांग को लेकर राज्य के किसान कुछ समय से विरोध कर रहे हैं। बता दें आपको कि उस समय किसानों को प्रचलित राशि के अनुरूप समय पर मुआवजा दिया गया था। हालांकि जब कंपनी ने पिछले साल अधिक भूमि का अधिग्रहण करना शुरू किया तो किसानों ने मौजूदा दर के अनुसार मुआवजा देने की मांग की है। बता दें कि बक्सर के चौसा स्थित थर्मल प्लांट भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों की पुलिस द्वारा पिटाई के पश्चात को लेकर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज बक्सर पहुंचे हैं। वहां वो पहुंचकर उन्होंने किसानों से मुलाकात की है और उनकी वाजिब मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया है। और आपको ये भी बता दें कि सरकार पर जमकर बरसे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं इस दौरान चिराग पासवान, वो सुने आप लोग। इन तस्वीरों को देखकर किस तरीके से यहाँ पर पुलिस गुंडागर्दी दिखाते हुए हमारे किसान भाइयों के परिवारों को पीटने का काम किया, क्यों नहीं तमाम पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं तमाम अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके लिए मैं आग्रह करूंगा डीजीपी महोदय से, आग्रह तो मैं हमारे प्रदेश के गृह मंत्री से भी करूंगा, क्योंकि संजोग से हमारे मुख्यमंत्री ही है, कि अगर उनके पास फुर्सत हो तो अपने विभाग के अधिकारियों के इस कुकर्मियों के ऊपर भी वो दृष्टि डाले, देखें कि किस तरीके से उनके विभाग के अधिकारी हमारे आम बिहारियों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे, हमारे किसान भाइयों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे। तुरंत हमारे साथियों के ऊपर मुकदमे करने की तो फुर्सत है इनके विभाग के लोगों को, पर मुकदमा करना है तो सबसे पहले उन अधिकारियों के ऊपर मुकदमा करें जो देर रात हमारे घर में घुसकर हमारी माताओं बहनों के साथ इस तरीके का दुष्कर्म करने का काम करते हैं। साथियों, आज यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों के बीच भाषणबाजी करने नहीं आया, मैं सही मायनों में आप लोगों से वास्तु स्थिति की जानकारी लेने यहाँ पर आया हूँ, ताकि उस जानकारी को मैं उचित मंचों तक पहुंचाने का काम करूं। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी मानवता के आधार पर आग्रह करूंगा कि वो आए यहाँ पर और आप लोगों की समस्या का सही मायनों में समाधान करें। अगर वो समाधान यात्रा पर निकले हैं तो यहाँ पर आकर आपकी समस्या का समाधान करें। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भी संज्ञान में आपकी ये तमाम समस्या की जानकारी उनके समक्ष भी रखूंगा और ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ। प्रधानमंत्री जी के भी संज्ञान में जाते ही मैं दूंगा और साथ में उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी हस्तक्षेप करें और राज्य सरकार को बाध्य करें कि वो जितनी हमारी जायज मांगे हैं
उन जायज मांगों को कबूल करे, हमारी मांगों को पूरा करने का काम करवाए, यह आग्रह भी मैं प्रधानमंत्री जी से करूंगा। पर साथ में आज इस मंच के माध्यम से सबसे प्रमुखता से मैं ये मांग रखता हूं कि जितने फर्जी मुकदमे स्थानीय प्रशासन ने हम लोगों के ऊपर किए, भाई हम लोगों की समस्या पहले से कम थी क्या? जो और हम लोगों की समस्या को अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कम नहीं कर सकते तो कम से कम हमारी समस्या को बढ़ाने का काम तो ना करें। हम लोग पहले से ही इतने दुख दर्द इतनी पीड़ा से गुजर रहे, ऊपर से और झूठे मुकदमे एक के बाद एक हम लोग के ऊपर डालकर हम लोग को और प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। अगर आप हमारी समस्या का समाधान नहीं कर सकते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो कम से कम उसको बढ़ाने का भी काम ना करें। और इसीलिए इस मंच के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा स्थानीय प्रशासन से, मैं आग्रह करूंगा यहाँ के डीएम यहाँ के एसपी से, और लिखित रूप में भी उनसे मांग करूंगा कि जितने मुकदमे हमारे ऊपर किए गए हैं, किसान भाइयों के ऊपर किए गए हैं, हमारे परिवारों के ऊपर किए गए हैं, तत्काल प्रभाव से उन तमाम मुकदमों को उन तमाम केसेस को वापस लिया जाए। और मैं डीजीपी महोदय से भी आग्रह करूंगा, लिखित रूप में उनसे आग्रह करूंगा कि आए और आकर यहाँ पर खुद निरीक्षण करें, देखें यहाँ पे कि भैया किस तरीके से झूठे मुकदमे यहाँ पर किए जा रहे हैं। भाई किसने नहीं देखे वो वीडियो, किसने नहीं देखे वो तस्वीरें कि किस तरीके से पुलिस स्थानीय थाने के अधिकारी यहाँ के पुलिसकर्मी देर रात घर में घुसकर किस तरीके से माताओं बहनों को पीटने का वो लोग काम करती, चाहने वाले हमारे किसान भाई उनकी जमीन ली जाती, जमीन के बदले उनको जमीन दी जाए, उनका पुनर्वास किया जाए। अगर वो इस जायज मांग को जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, अगर उसकी मांग रखते हैं तो क्या गलत बात कर रहे हैं? क्यों नहीं इस मांग को पूरा किया जाना चाहिए? पर अफसोस तब होता है जब इन जायज मांगों को पूरा करने की बजाय प्रशासन उल्टा हमारे अन्नदाताओं को प्रताड़ित करता है। और प्रताड़ना की सीमा देखिए, घर में घुसकर हमारी माँ बेटियों को, हमारी बहनों के ऊपर लाठियां चलाई जाती है, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर लाठियां चलाई जाती है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। ये समस्या का समाधान है क्या? ये न्याय है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? एक अन्नदाता जो पूरे देश का, जो हर बिहारी का पेट भरता है, जो हर किसी के घर में अनाज देता है, जिसकी देवता के रूप में हम सबको पूजा करनी चाहिए, उनके ऊपर लाठी चलाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार में किया जाता है, इससे ज्यादा शर्मनाक और निंदनीय घटना और कोई नहीं हो सकती। जो आपको दो वक्त की रोटी देता आप उसके ऊपर लाठी चलाते मुख्यमंत्री जी, दो दिन भूखा रहकर देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपको पता चल जाएगा कि किसानों की क्या अहमियत है। दो वक्त की रोटी के बिना एक दिन गुजार के देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो आपने सुना, आज चिराग पासवान बक्सर पहुंचे हैं और वहां पहुंचकर उन्होंने किसानों की वाजिब मांग को लेकर प्रदर्शन किया और साथ ही साथ सरकार को बहुत कुछ सुनाया है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे NBC 24।